से बाहर का व्यू, बहुत ही शानदार व्यू है, बहुत ही बढ़िया गार्डन बनाया हुआ है इन्हें अपना। चल रहा तो आपको दिखा नहीं पाया बिल्कुल क्लियर, क्योंकि रात में हम थोड़ा लेट पहुंचे थे। ये देखिए गार्डन बहुत शानदार बनाया हुआ है इन्हें। ये 10:40 और हम जस्ट रूम से निकल रहे हैं। कल रात लेट आए थे तो हम भी मॉर्निंग को लेट उठे और सामान पैकिंग करने बहुत हो गया, तो अब हम निकल रहे हैं। और अब हम चेकआउट कर रहे हैं अपने यहाँ से। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लेप हैं, यहाँ से निकलेंगे पहले शांति स्तूपा, जाएंगे, फिर आगे का आपको बताते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं। अभी यहाँ बहुत सारी जगह घूमने वाली जहाँ हम घूमते हैं। हमारे दो फ्रेंड्स और थे जो अभी है नहीं यहाँ पे, वो बाइक पे जा रहे हैं। और यहाँ से दिखेगा आपको शांति स्तूपा का फर्स्ट व्यू। अभी हम पहुंचे हुए शांति स्तूपा, ये भी लेह में ही है, लेह से करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर पर, वहीं पर लेह पे ही है मेन। ये हमारे जो पीछे दिख रहा है ये शांति स्तूपा, ये देखिए पाकिस्तान का वॉकर आपको पूरा कराएंगे अभी हम। तो अभी हम लोगों का शांति स्तूपा भी देखने में बहुत ही शानदार है, बहुत ही बढ़िया व्यू है यहाँ से। शांति स्तूपा भी देखने में अच्छा है और यहाँ से देखें तो पूरा जो लेह सिटी है, पूरा लेह का पूरा बहुत ही शानदार व्यू मिलता है इस जगह से। आप देखिए इस जगह को और व्यू को एंजॉय करिए। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे हॉल ऑफ फेम है, वैसे हम आए थे अभी हॉल ऑफ फेम घूमने के लिए, इसके अंदर टूरिंग करने के लिए, बट अभी किसी कारण वो बंद है। आज बंद होता है, छुट्टी होती कर रहे हैं। अब देखिए कल देखते हैं क्या होता है। अभी तो हम ऐसे पेंगोन जा रहे हैं, खारडुमला जा रहे हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अगर टाइम हुआ तो कल यहाँ भी जाएंगे। तो आज थी मुहर्रम और हमें कोई भी रास्ता मिला नहीं लेह पैलेस जाने के लिए, तो हमें काफ़ी सारे डाइवर्जन लेने पड़े। तो उसके बाद भी हम लेह पैलेस पहुँचे नहीं, बट देखिए अब कहाँ तक पहुँचते हैं। और लेह पैलेस जाने से पहले हमें एक मोनेस्ट्री मिली तो हम वहाँ गए पहले। लेह पे ही अभी शांति स्तूपा होके आए थे, लेह पैलेस जा रहे थे बट जा नहीं पाए। अभी जी मोनेस्ट्री पर जा रहे हैं हम लोग, सबसे ऊँचाई पर यहाँ पर की देख सकते हैं आप बैकग्राउंड पर व्यू। अब इस मॉन्स्टर का नाम क्या है तो हमें पता नहीं, क्योंकि नीचे कहीं लिखा भी नहीं था कुछ ऐसा। अब देखते हैं, कहते रहे कि मॉन्स्टर भी बंद है, अभी ऊपर जाके देखते हैं क्या होता है। कम से कम व्यू तो मिलेगा आपको, इसकी ऊंचाई काफ़ी है, शायद लेक के सबसे ऊंची मॉन्स्टर में से है ये। का नाम है कैसिलेट टेस्मो, यहाँ पे यही बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ का भी गेट बंद है। आज लग रहा है सारा क्लोज होता है यहाँ पे, फ्राइडे को सारा क्लोज होता है।
और ये सामने जो आपको दिख रहा है व्हाइट सा पहाड़ी के टॉप पे, ये है शांति स्तूप। अभी हम वहाँ से होके आए हैं। और यहाँ से पूरे लेह सिटी का पूरा बहुत क्लियर सा व्यू दिख रहा था। और ये सामने आपको दिख रहा है, ये देखिए थोड़ा जूम करते हैं इस पर, ये है लेह पैलेस। ले पैलेस और यहाँ पे बहुत सारे यू टर्न मारने पड़ गए हमें, कई सारे रास्ते बंद है क्योंकि आज कुछ माउंटेन्स का कुछ त्यौहार है, तो उसकी वजह से कई रास्ते बंद करे हुए हैं। इसकी वजह से हमें कई सारे यू टर्न मारने पड़े, बहुत दिक्कत हो रही है आज यहाँ ट्रेवल करने पे। अब देखते हैं ले पैलेस पे भी पहुँच पाते नहीं पहुँच पाते, क्योंकि दो जगह से यू टर्न मार चुके हैं, अब तीसरी जगह पे जा रहे हैं। तो काफ़ी पहुँचने की कोशिश करने के बाद भी नहीं पहुँचे, तो फिर वो मूड खराब, तो हमने कहा अब निकलते हैं सीधे नुब्रा वैली को। तो उसके बाद हम निकल गए नुब्रा वैली की ओर को, और ये हम ऑफरोडिंग करते हुए अपनी गाड़ी को लाए हैं यहाँ पे, और इसके आगे रोड नहीं है, यहीं पे ख़त्म है। अब यहाँ से देखते हैं थोड़ा ड्रोन उड़ाने का ट्राई करते हैं। ये देखिए हैंड पे लाए हुए हैं, और करिए कुछ ड्रोन शॉट्स को एंजॉय जो हमने लिए थे। थोड़ा ऑफरोडिंग किया मजा आया, अगर एडवेंचर के शौकीन हो आप ऑफरोडिंग ना करो तो कोई फायदा ही नहीं है। लद्दाख गए और आपने ऑफरोडिंग ना करा तो कोई फ़ायदा नहीं है लद्दाख जाने का, क्योंकि लद्दाख है ही ऑफरोडिंग के लिए। हमें अभी तक तो मौका मिला नहीं था ऑफरोडिंग करने, बट जहाँ मिला हमने वहाँ मौके पे चौका मारा। तो हमने काफ़ी ऑफरोडिंग करी यहाँ पे, काफ़ी फील लिया, काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे ऑफरोडिंग करते हुए। तो उसके बाद फिर हम निकले आगे नुब्रा वैली की ओर। प्लीज़ ड्राइव केयरफुली, बहुत बढ़िया एग्जांपल बनाया हुआ है। कभी एक्सीडेंट हुआ इस गाड़ी का तो इस पे एग्जांपल के तौर पे लिख दिया, प्लीज ड्राइव केयरफुली। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग पहुंचे हुए खाटूंगला पास। अभी टोटल थोड़ा बहुत ऑफरोडिंग मिल रहा है, थोड़ी बहुत बर्फ भी मिल रही है देखिए साइड पे, और देखते हैं अच्छा सा ग्लेशियर टाइप का बहुत मिलता है, आपको करते हैं रिकॉर्ड। ये देखिए कितना शानदार व्यू है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिख रही है, और हमारे पास भी एक बर्फ है।
काफी बड़ा है ये टुकड़ा बर्फ का। यहाँ धूप ना आने की वजह से शायद गला नहीं अभी तक, वरना अभी तक मेल्ट हो चुका होता। यहाँ पे रोड थी अच्छी खासी, बट हमने ऑफ रोडिंग चूज किया। लद्दाख के जो एडवेंचरर आते हैं यहाँ पे घूमने तो यहीं से ऑफ रोडिंग करते हैं, तो हमने भी ऑफ रोड ट्राई किया, काफी अच्छा लगा। काफी बड़े बड़े गड्ढे भी थे रास्ते पे। अभी हम लोग हैं नुब्रा वैली पे, अभी हम जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट पे। और जो ये सामने ऊपर पे आपको लाइट दिख रही है, ये है डिस्ट्रिक्ट मॉन्स्ट्री। तो हम आए होते हैं डिस्ट्रिक्ट मॉन्स्ट्री, जो अभी हो चुकी है क्लोज। 7 बजे तक इसका टाइमिंग होती है और हम पहुंचे 7:30 के आसपास। तो अभी तो बंद है, देखते हैं कल सुबह मॉर्निंग पे आने का। कल सुबह मॉर्निंग में आते हैं और अच्छे दर्शन करते हैं।